चटनी नहीं होती, ये व्हाइट सॉस होता है, ये दूध से बनाया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब गाइस, और कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? गाइस आई होप आप सब सीख गए होंगे झाड़ू पोछा वगैरह करना। मैं तो सीख गया हूँ करना कम्प्लीटली पैकेज, बट मेरी वाइफ कहती है कि आपको कुकिंग करना अभी भी नहीं आता। तो आज मैंने चैलेंज लिया है, कुकिंग चैलेंज। मुझे बनाना है आज व्हाइट सॉस पास्ता, जो इनका फेवरेट है। वो कहती है कि नहीं लग पाएगा आपसे। क्या कहते हो, जाएगा मेरे से? नहीं, देखो पता है सब कुछ कर लेते हैं हम, जब झाड़ू पोछा कर लिया तो ये भी हो जाएगा। झाड़ू पोछा कोई भी कर सकता है, अच्छा कुकिंग नहीं। तो देखते हैं गाइस, लेट्स सी क्या होता है। व्हाइट सॉस पास्ता का कौन सा सॉस पास्ता नहीं होता है ना? अरे कर लो ट्राई, मुझे पहले चैलेंज लिया है पूरा, तो कंडो से मुझे पहले, उसके बाद बोलना। बनाओ। सो मामा, आज सनु ने मुझे एक चैलेंज दिया है व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। तो क्या लगता है आपको, बना लूंगा मैं? बेटा क्यों नहीं बना सकते, आप सच्चे मन से चाहोगे तो सब कुछ बन जाएगा। देखो मम्मी, ये तो हर माँ सोचती है कि उसका बेटा सब कुछ कर लेगा, लेकिन सच होता ना, लगता है आपको बना लूंगा मैं? बिल्कुल बना लोगे, ये तो मुझे भी मालूम है। तो आज गाइस पता नहीं क्या होता, लेकिन बना के दिखाएंगे आपको हम। देखो मम्मा ने भी कह दिया, इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो फिर जस्ट डू इट। सो गाइस, अरे किससे बात कर रहे हो? मैं बड़ी दीदी से। अरे बड़ी दीदी क्या टाइम पे? ये दी। हेलो दी। हेलो हेलो। अरे आज ना तन्नू ने मुझे ना चैलेंज दिया है व्हाइट सॉस पास्ता बनाने का, तो क्या लगता है आपको? हाँ तो पास्ता कभी नहीं हो सकता। देखो मैंने कहा था ना, नहीं बना सकते आप। तो क्या लगता है आपको, बना लूंगा मैं? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं बना सकता भाई। तू आप बहन मेरी हो किसी और की हो, बता सही बोलना। बहन तो तेरी हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं बना सकता। अभी भाई को मैंने बना बना के खिलाया, अब भाभी बना के खिलाती है, तो भाई कहाँ से बना लेगा? गजब बेइज्जती है। हाँ चैलेंज लिया है मुझे, कुकिंग करना आसान नहीं है, समझा इनको। नहीं भाई आसान बात नहीं है, ऐसा काम करना तेरे भाई। मैं कर दिखाऊंगा आपको, आज देखना आप अंदर। ओके भाई। गाइस अब हम चेंज कर लेते हैं, और चेंज के मिलते हैं आपको किचन में। सो बनाए हमारे पास्ता व्हाइट सॉस। पहले पूरा क्यों काट रहा? मेरे को दिखाना आपको। पहले इसमें ना बॉईल कर लो पानी में, इसमें थोड़ा नमक और तो हल्का सा ऑयल डाला हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। इतना हम हमारी वाइफ गार्लिक खाती नहीं है, तो हम डालेंगे इसमें। मंदी करो गैस। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मंदी करो, जल्दी से करो, जल्दी करो। काली मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च टेस्ट अनुसार डाल दो। इतना ये हो रहा है मिक्सर, इतना हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो है पास्ता रेडी हुआ है। उसका कैसे करेंगे हम, कुछ इस तरह से फिर हो जाएगा। डाल दो रेडी, ठीक है, इसमें डालो। सब में दो मिनट लो, छोड़ दो। मैं आज पास्ता बहुत बढ़िया वाला बेहतरीन पास्ता। आपने कभी बनाया है? पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। बंद गैस पे हम क्या चला रहे हैं? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अरे यार दोबारा बंद हुई कैसे? बंद बनाया। और देखिए गाइस, ये मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं आज। वैसे इन्होंने कुकिंग आती नहीं है, मैं यही देख रही हूँ कि आज ये कैसे बना रहे हैं। अगर तुम खाओगे ना तो तुम गमुट तो बनाया सही में। मैं कह रहा हूँ
बस इसके ऊपर देखते हैं कि पास्ता रेडी हुआ नहीं हुआ। सॉस सॉस के लिए पहले हम बनाएंगे ये बनाने के लिए हम इसमें बटर छोड़ा नहीं होता, कोई बनियों की ये निशानी होती है, इतना भी होता है सब में छोड़ लो। डालेंगे इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा, थोड़ा आगे लेकिन दूध को फेट करते रहना ताकि लम्स ना पड़े। जो मैदा है उसको लम्स आया था, वो लम्स नहीं पड़ने चाहिए, उसको अच्छी तरह से है ऐसे सफाई तुम करोगे यार। ये आप सब फैलाए जा रहे हो और आप कह रहे हो मैं सफाई करूंगी, तो तुम्हारे लिए फैलाया आपने है ना, ये तो बना रहा हूँ तो बनता है तुम्हारा, तो सफाई से करना चाहिए ना आपको, आप इतना फैला रहे हो बताओ। बना रहा हूँ तुम्हें कम से कम सफाई तो बनती है। चलो ठीक है आप मेरे लिए बनाओ तो फिर मैं सफाई कर दूँ बस। तो इसको हमें इसी कंटेंसी को गाड़ी करनी है, तो एक तरफ चाहते रहो मिर्च ये बनने वाला है आज तो। गाइस बनने वाला है ये आज, यार कलर तो बहुत अच्छा है इसका, टेस्ट भी अच्छा आएगा, हमारी चीज बनाए हम दिल से। या वैसे आपने फर्स्ट टाइम कुकिंग की है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा इस बात पे, लग नहीं रहा वैसे मुझे देख कर। लॉकडाउन के अंदर सब कुछ सीख गया हूं मैं, झाड़ू पोछा कर चुका हूं, तो देखो झाड़ू पोछा एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी कर सकता है, उसके लिए मेहनत नहीं होती, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती सीखने की। कर चुका हूं तो कुकिंग क्यों नहीं कर सकता, बस एक कुकिंग थी बाबू जो आप नहीं कर सकते थे वो भी आपने कर लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। सो मैडम आपके लिए पास्ता रेडी, ट्राई करो और बताओ। धक 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 धक, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा जो ना सही बोलना, मतलब गलत मत बोलना, जो हो जेन्युइन बोलना। बहुत बढ़िया बना है, मजा आ गया यार। नमक बाद मैंने ऐसा खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और नमक ठीक है? नमक देखो नमक का टेस्ट मुझे आता ही नहीं है। चलो टेंशन खत्म हो गई थी, तुम टेस्ट करो पास्ता बनाया मैंने, व्हाइट सॉस पास्ता। ये चटनी नहीं होती, ये व्हाइट सॉस होता है, ये दूध से बनाया है। कैसा है? सेवन है, नमक ठीक है? सही लगा ना? हेलो आपका आउट, आप टेस्ट करो कैसा लगा? अच्छा लगा। आप बोलो। अच्छा लग रहा है? पहली बार ट्राई किया, ऐसे लग रहा है? चलो खाओ, अच्छी बात। चलो भाई कामयाब हो गया मैं। वो पिल्लू अकेले खा रहा, मुझे भी खिलाओ यार। अभी देखो कैसा टेस्ट आ रहा है मेरे हाथ का। नहीं यार मैं सो रहा हूं। क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अबे खिलाओ, एक बाइट खिलाओ यार, मैं भी देखो कैसा बन रहा है मेरे हाथ का, अपने हाथ का देखो तो। सीरियसली यार लग रहा है बाहर से आया हूं मैं। अरे यम्मी तो मेरे हाथ में जादू है। सो गाइस देखा आपने कितना इजी है स्टेप बनाना इसको। सुनो सुनो दोबारा बनाना, फोन खोल रखे। सो गाइस
देखा आपने बहुत इजी स्टेप्स हैं इसके बनाने के, और आपको बनाना हो तो आपने सीख लिया है, बना लोगे आप भी अपनी वाइफ के लिए अपने लिए भी। तो भाई मिलते हैं, बाकी ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट्स और बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते जल्दी नए ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।